नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवा कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल मैकेनिक ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि ग्रेडर 120H स्टार्ट नहीं हो रहा है और उसमें क्या दिक्कत हो रही है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएँगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वाटर सेपरेटर फिल्टर को खोल लेते हैं और उसके पंप में जो सोलेनोइड स्टार्टिंग लगी होती है उसको चेक करके देखते हैं। देख सकते हैं हमने वाटर सेपरेटर फिल्टर को खोल लिया है और खोलने के बाद हमने डायरेक्टर दिया है डीएल लाइन को और हम पंप की सोलेनोइड को भी देख सकते हैं आप खोली है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अपनी सोलेनोइड जो है पंप की स्टार्टिंग सही है या नहीं, उसको हम आपको चेक करके एक बार दिखाते हैं और सोलेनोइड में क्या दिक्कत होती है, जिससे हम आपको एक बार चेक करके अवश्य दिखाएंगे। देख सकते हैं हम पंप में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जो हमने फिल्टर को निकाला है, फ्यूल वाटर सेपरेटर, इसका पार्ट नंबर भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं इसको। चलिए हम अब दो बैटरी में जो कि 100 एम्पियर की दो बैटरी है उसमें लगा के सोलेनोइड को चेक करेंगे कि सोलेनोइड पंप की जो है कि सही है या नहीं। उसके बाद में हम हेड की तरफ देखेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम पंप की सोलेनोइड को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमने दोनों बैटरी से कनेक्शन करके सोलेनोइड को चेक करते हैं और उसके बाद में दिखाएंगे कि पंप सोलेनोइड का क्या काम रहता है जो पंप में लगती है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम टच करेंगे बैटरी में, सोलेनोइड अपना काम सही कर रही है, यानी कि अपनी जो पंप सोलेनोइड स्टार्टिंग सोलेनोइड है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम आपको चालू करके भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पंप की सोलेनोइड हमारी बराबर काम कर रही है, जो स्टार्टिंग का काम करती है। इसका काम सिर्फ स्टार्ट करना ग्रेडर को और बंद करना। देख सकते हैं वो अपना बराबर वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों तक सेंड अवश्य करें। देख सकते हैं हमने फिर सोलेनोइड को चेक किया, एक बार हम देख सकते हैं स्टार्टिंग चेक करके दिखा देते हैं। लंबी लगा, लंबी लंबा मारो, लंबा ऐसी हालत है। चलिए दोस्तों, अब हम हेड के कैप को खोल लेते हैं, जो टेपिट कवर कैप है उसको ओपन करके दिखाएंगे। इसके बाद में बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है अपना ग्रेडर, क्योंकि कैट का 120H है और अगर आप इस का ग्रेडर स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए, हमने टेपिट कवर कैप को खोल लिया है और उसके बाद में आगे दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, किसके कारण ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं हमने टेपिट कवर कैप को खोल लिया है, अपने सभी जो टेपिट है रॉकर्स आप सभी को हमने खोल लिया है। और चलिए हम एक बार एक्सीलेटर पैडल चला के देखते हैं। चलिए हम एक बार आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं कैसे पैडल चलाना है आपको, कैसे नहीं। देख सकते हैं ऐसे पैडल बार बार अप डाउन करना है। और चलिए हम दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे 4 नंबर सिलेंडर का पुश रॉड है वो बेंड हो चुकी है, इसके कारण स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्टार्ट होने में दिक्कत दे रहा है। देख सकते हैं हम पेचकस की मदद से थोड़ा चेक कर लेते हैं और बारीकी से आपको दिखाते हैं क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितनी चाल आ गई है और अपनी जो पुश रॉड होती है जिससे हम डीजल
स्पार्क होता है, जिससे अपना ग्रेडर चालू होता है। 4 नंबर सिलेंडर की पुश राड है वो बेंड हो चुकी है, जिसके कारण अपना ग्रेडर स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो